हेलो माय डियर फैमिली, की हाल है भाई सबके? कैसे आहत केमो नाचो, आय हाय हाय, क्या मजा आ रहा है बोलने में यार। मैंने कल आपको एक सवाल पूछा था और आपने जो भर भर के दिल से जवाब दिए हैं, मैं अभी भी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कल के वीडियो के। थैंक यू सो मच यार आपके इस लेवल के इन्वॉल्वमेंट के लिए। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि अपन लोग रोज ऐसे आमने सामने बैठ के बातें करते हो। एनीवे, शाम के 7 बज चुके हैं, यानी कि आपका भाई हाजिर है एक और नए एपिसोड के साथ। दिस इज एपिसोड नंबर 114। तो चलो मचाते हैं धमाल। तो आज का अपना फर्स्ट अपडेट है एनिमल मूवी को लेकर। तो भाई इस मूवी को CBFC ने A सर्टिफिकेट के साथ अप्रूव किया है, यानी कि अब इस मूवी को सिर्फ 18 प्लस लोग ही थिएटर्स में देख पाएंगे। वैसे देखा जाए तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात तो है नहीं, मतलब हमको पता ही था। इन लोगों ने आज तक जो भी मटेरियल हमारे सामने रखा है उससे अंदाजा है कि मूवी में किस लेवल का वायलेंस होने वाला है। बस अब मूवी को A रेटिंग मिल ही गई है, तो संदीप रेड्डी वांगा ने इसमें वायलेंस दिखाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी होगी, ऐसी उम्मीद है। अब मेकर्स भी क्या करे यार, जनता को आजकल खून खराबा, मारधाड़, एक्शन ये सब ज्यादा पसंद आता है। और एक बात ये भी अब फाइनल हो गया है कि इस मूवी की लेंथ 3 घंटे और 21 मिनट होने वाली है भाई साहब। तो इसे देखो, मूवी की सिक्वल बनने की पॉसिबिलिटी तो कम ही हो जाती है, जिसको लेकर अभी तक बहुत सारे रूमर्स घूम रहे थे। देखो, अगर इसका सिक्वल बनना होता तो संदीप रेड्डी कभी भी इसको इतना लंबा बनाने का रिस्क नहीं लेते। वहीं इस मूवी को लेकर मार्केट में एक और रूमर काफी तेजी से फैल रहा है कि इस मूवी के अंदर बॉबी देओल का विलनस कैरेक्टर गूंगा होगा, यानी कि मूवी के अंदर उनका एक भी डायलॉग नहीं होने वाला है। वो जो भी डर क्रिएट करेंगे बिना किसी डायलॉग के करेंगे, सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से, अपनी एक्टिंग से। अब सुनने में तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन साथ में रिस्क भी है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये बात सच निकली और बॉबी देओल बिना एक भी डायलॉग के वो बेहतरीन विलन वाला डर क्रिएट कर देते हैं, तो भाई सिनेमा के रिकॉर्ड्स में एक हिस्ट्री बन जाएगी, एक और विलन हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक रूमर है, कोई कंफर्म अपडेट नहीं है। वैसे आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अगर मूवी के अंदर बॉबी देओल का ये किरदार गूंगा होगा तो वो वाला इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? साथ ही एनिमल मूवी का ट्रेलर भी आज रिलीज हो चुका है, जिसका रिव्यू आपको जेस्टेक चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो उसको देखने के लिए भाई जरूर से आ जाना, इंतजार रहेगा आपका। अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि रिलेटेड है हॉलीवुड की बहुत ही पॉपुलर मूवी द कराटे किड को लेकर। इसे आपने बचपन में एक न एक बार तो जरूर से देखा होगा और उसको देखने के बाद आपको कराटे सीखने का मन भी जरूर से किया होगा। तो एक बार फिर से इस मूवी का नया पार्ट आने वाला है, जिसमें जैकी चैन फिर से कुंग फू मास्टर मिस्टर हैन के रोल में दिखाई देंगे। तो देखते हैं दोस्तों, क्या ये मूवी वही नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर पाती है या नहीं। वैसे फिलहाल तो ये मूवी अपनी मेकिंग स्टेज पर ही है और रिलीज डेट इसकी नेक्स्ट ईयर 13 दिसंबर की बताई जा रही है। लेट्स सी आगे इसको लेकर क्या अपडेट आते हैं। अपना नेक्स्ट अपडेट है शाहरुख खान की जवान मूवी को लेकर, जिसने थिएटर्स में आते ही हिस्ट्री बना दी थी। वहीं अब ये मूवी नेटफ्लिक्स पर भी रिकॉर्ड्स बना रही है। तो जवान को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं और ये मूवी इंडिया की मोस्ट वॉच्ड मूवी बन गई है ऑन नेटफ्लिक्स। नेक्स्ट अपडेट है प्रशांत वर्मा यूनिवर्स की हनुमान मूवी को लेकर। तो अब तक इस मूवी से हमारे सामने 2 गाने ऑलरेडी आ चुके हैं और अब इस मूवी से इसका 3रा गाना भी रिलीज होने वाला है, जिसकी रिलीज डेट है 28 नवंबर। तो देखते हैं इस बार ये कौन सा सॉन्ग रिलीज करते हैं और क्या वो सॉन्ग भी सुपर हीरो हनुमान सॉन्ग की तरह मस्त होगा या नहीं। वहीं अपना नेक्स्ट अपडेट है कार्तिक आर्यन की अपकमिंग मूवी को लेकर, जिसका टाइटल तो अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन ये मूवी एक एपिक वॉर ड्रामा मूवी होने वाली है। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की ये फिल्म है, बालाजी टेलीफिल्म्स का कोलैबोरेशन है और लीड में दिखाई देंगे कार्तिक आर्यन, जिसकी शूटिंग नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगी और इसकी रिलीज डेट है 15 अगस्त 2025, जिसका अनाउंसमेंट कार्तिक आर्यन ने कल, यानी कि अपने बर्थडे पर किया था। वैसे कार्तिक आर्यन ने अब अपने हर बर्थडे के ऊपर एक नई मूवी का अनाउंसमेंट करने का सिस्टम बना दिया है। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं संदीप मोदी, जिन्होंने रिसेंटली आर्या 2 और द नाइट मैनेजर सीरीज को डायरेक्ट किया था। और कल अपने जेस्टेक चैनल के ऊपर कार्तिक आर्यन की स्ट्रगल स्टोरी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर एक वीडियो डाली गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से देखना, काफी इंस्पायरिंग वीडियो है। नेक्स्ट अपडेट है राजकुमार राव की अपकमिंग मूवी को लेकर, जिसका टाइटल होने वाला है विकी विद्या का वो वाला वीडियो, जहां इस मूवी के अंदर इन दोनों एक्टर्स के किरदारों की एक इंटीमेट वीडियो वायरल हो जाएगी और फिर होगा बड़ा हंगामा। तो ओवरऑल ये मूवी एक कॉमेडी मूवी होगी, जिसमें एक सोशल मैसेज भी इन्वॉल्व होगा। तो ऑलरेडी इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है और इसकी शूटिंग नेक्स्ट ईयर जनवरी से शुरू कर दी जाएगी, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं डायरेक्टर राज शांदिलिया, जिन्होंने आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 1 और ड्रीम गर्ल 2 मूवी बनाई थी। वहीं अपना नेक्स्ट अपडेट है साउथ से आने वाली एक और मूवी को लेकर, जिसका टाइटल थंडेल होने वाला है, जिसमें मेन लीड में होंगे एक्टर नागा चैतन्य, जिसमें ये एक फिशरमैन के किरदार को निभाने वाले हैं, जिसका हाल ही में एक फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज किया गया है, जो कि दिखने में जूनियर NTR की देवरा मूवी वाली वाइब दे रहा है, मतलब कि वही सेम डार्क टोन। तो देखते हैं इसको लेकर आगे क्या अपडेट्स आते हैं। वैसे नागा चैतन्य की एक वेब सीरीज भी रिलीज होने वाली है नेक्स्ट मंथ 1 दिसंबर को, धूथा नाम से, जिसको लेकर हमने आपको ऑलरेडी एक एपिसोड के अंदर अपडेट दे दिया था, जो कि एक हॉरर थ्रिलर सीरीज होगी। तो नागा चैतन्य के फैंस रेडी रहना आप लोग। और आज का अपना
लास्ट अपडेट है पंकज त्रिपाठी सर की कड़क सिंह मूवी को लेकर, जिसका ट्रेलर रिसेंटली IFFI फेस्टिवल में दिखाया गया है, जिसको काफी तारीफें मिल रही है। और ये ट्रेलर यूट्यूब पर भी रिलीज हो चुका है, जिसका रिव्यू भी आपको जस्ट के ऊपर मिल जाएगा। वैसे आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर से बताना। ओके, देन आज की बातें यही तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो हमेशा की तरह एक लाइक कर देना। हमारे सभी चैनल के वीडियोस के डायरेक्ट लिंक्स, अपडेट्स और मजेदार कंटेंट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दिस इज जेस एंड यू आर वॉचिंग जस्ट टेक सिनेमा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, जय हिंद।